हेलो गाइस, मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने। एंड आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आइडिया दूंगा, जैसे जिनके यहाँ सॉरी घर पे लाइट का इश्यू वगैरह है एंड उन्हें अपने घर पे जैसे एक बैकअप चाहिए राउटर के लिए। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, हमें इन्वर्टर फैसिलिटी नहीं रहती है, किसी रीज़न से अगर लाइट जाती है एंड आपका इंटरनेट भी उस टाइम काम नहीं करता क्योंकि राउटर ऑफ हो जाता है, तो हम राउटर को पावर बैंक से चला सकते हैं। उसके लिए मैंने एक टेक्निक लगाया है जो कि हाँ ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा। तो एक अडेप्टर आता है, वो आप पावर बैंक में कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बैंक से फिर वो अकॉर्डिंग टू योर राउटर स्पेसिफिकेशंस, अगर आपका राउटर 5 वोल्ट्स का है या 12 वोल्ट्स का या फिर 9 वोल्ट्स का, जो भी इनपुट मांगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको केबल देना पड़ेगा एंड पावर बैंक के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये टेस्ट किया था एंड मैंने अराउंड 8 से 9 आवर्स यूज़ किया पावर बैंक से एंड कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया, एकदम जैसा नॉर्मल चलता है नेट वैसा ही चला इंटरनेट। एंड पावर बैंक भी इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हुआ, बहुत ही मतलब ज़्यादा बैकअप मिल सकता है आपको इस आइडिया से। तो होपफुली जिनके पास इश्यूज है लाइट का, वो इस आइडिया से नेट चला पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो आपको ये केबल मिलता है ऑनलाइन, इसे अडेप्टर बोल सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है। तो ये बेसिकली डिटेक्शन आपको शो करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, होप आप देख सकते होंगे। ठीक है, एक तरफ इसके यूएसबी है और दूसरी तरफ पावर अडैप्टर का जैक है। तो इसमें एक इश्यू ये है कि हो सकता है आपके जो भी राउटर हो आपके पास, उसका जो अडैप्टर पिन है वो इससे एक पतला वाला भी आता है, उसे हम 2.1 mm का बोलते हैं, ये 5.5 mm का है। तो आपको वो चेक करना होगा, अगर आपका ये नहीं लगता है राउटर पर तो आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा। वो एक अलग से अडैप्टर आता है छोटा सा, खाली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप पतली पिन के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने मंगाया था ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो इस पर देखिए 2 ऑप्शंस हैं, 9 वोल्ट्स के और 12 वोल्ट्स के। आप इसे डुअल वोल्टेज में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगर आपके पास राउटर जो है 12 वोल्ट्स का है तो आप इसे 12 वोल्ट की तरफ स्लाइड कर देंगे, ऊपर इसका एक स्लाइडर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको 9 वोल्ट्स का राउटर यूज़ करना है तो आप इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो अभी ये 9 वोल्ट्स में स्टेप अप करेगा वोल्टेज को। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ नोटिस करनी है आपको, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको जो पावर बैंक है वो होना चाहिए जो 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स कम से कम आउटपुट दे, क्योंकि जब आपका वोल्टेज कन्वर्शन होगा तो आपका जो आउटपुट एम्पियर्स है वो कम हो जाएगा। तो अगर आपके राउटर की स्पेक्स मांगती हैं लाइक 12 वोल्ट्स एंड 0.8 या 0.9 या फिर 1 एम्पियर, तो आपको एटलीस्ट इसको 2 एम्पियर्स आउटपुट में लगाना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली पावर बैंक में रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा पावर बैंक यूज़ किया। मेरे पास एम्बरेन का पावर बैंक है, ये 13,000 mAh पावर बैंक है, इसमें 2 आउटपुट्स हैं, होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 2.1 एम्पियर लिखा हुआ है और 1 एम्पियर लिखा हुआ है। तो मैं इस केस में 2.1 वाले में लगाता हूँ, ये 2.1 वाला है, 2.1 एम्पियर वाले में लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ ये कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इसे पावर बैंक से कनेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये कनेक्ट किया तो आपको ये दिखा रहा होगा कि अभी आउटपुट कितना दे रहा है, ये अभी 12 वोल्ट्स में काम कर रहा है। तो मीन्स आपका जो आउटपुट आ रहा है वो 12 वोल्ट्स है, और आपको अगर 9 करना है तो आप उसे स्लाइड कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 से थोड़ा ज़्यादा, 9.3 है, बट इट इज़ ओके, इतना रेजिस्टेंस होता है राउटर्स के अंदर, वो सर्किट इतना रेजिस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसका टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डिजिसॉल का एक राउटर है, डिजिसॉल। ठीक है, तो इसकी रेटिंग्स आप देख सकते हो, ये 12 वोल्ट्स मांगता है एंड आई थिंक 0.5 एम्पीयर, या 0.5 एम्पीयर मांगता है। ठीक है, तो इसे आउटपुट चाहिए 12 वोल्ट्स का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस पे लगाऊंगा। ठीक है, दैट्स फाइन। एंड इसका दूसरा एंड, जैसे मैंने कहा पहले, ध्यान से आपको याद रखना है कि क्योंकि इसको 12 वोल्ट चाहिए तो इसको 12 वोल्ट्स में रखते हैं, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने इसको 12 वोल्ट्स में रखा है। अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,
ये 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है एंड राउटर भी आप देख सकते हो ऑन हो गया है, तो आप देख सकते हो राउटर में पावर आ रहा है। मैंने इसे यूज करके देखा है, इंटरनेट आराम से इंटरनेट काम करता है, कोई इशू नहीं आता है। मैंने 7-8 घंटे यूज किया था टेस्ट करने के लिए, मुझे कोई इशू नहीं फेस हुआ। एंड जितनी स्पीड आपकी होती है बैंडविथ, उतनी स्पीड मिलती भी है, ठीक है। आप देख सकते हो वाईफाई का सिग्नल शो हो रहा है, वाईफाई इज ऑन नाउ, क्योंकि मैंने इसे अभी कनेक्ट नहीं किया इंटरनेट से, क्योंकि मेरा राउटर बाहर है, मुझे बाहर जाकर टेस्ट करना पड़ेगा, बट इट्स वर्किंग। तो ये एक ऑप्शन है अगर आपके पास 12 वोल्ट का राउटर है, ठीक है। और इन केस आपके पास 9 वोल्ट का राउटर है, कुछ राउटर्स 9 वोल्ट के होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये टीपी लिंक का राउटर है जो मैं एज अ एक्सटेंडर यूज करता हूँ, मुझे एक्चुअली डुअल बैंड वाईफाई चाहिए था, तो मैंने रिपीटर नहीं लेके एक राउटर लिया, क्योंकि होता क्या है कि इनकेस आपका प्राइमरी राउटर खराब हो जाए किसी रीजन से, आपके पास एटलीस्ट बैकअप भी रहता है कि आप इसको यूज कर सकते हो उसकी जगह। तो इसे मैं एज अ एक्सटेंडर यूज करता हूँ, कि मुझे अपने टेलीविजन में एंड अपने कंप्यूटर पे डुअल बैंड यूज करते हैं, 5 GHz का होता है, ठीक है। एंड उससे फायदा ये है कि जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ 2.4 GHz का होता है, तो उनके बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो आप क्लियरली उसे यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, अगर आप सेम रेंज के मतलब 2.4 GHz नॉर्मल वाईफाई यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ के साथ हेडफोन या कुछ कनेक्ट करके रखते हो, तो कभी कभी उसमें ना इंटरफेरेंस होता है, तो डिस्टर्बेंस आ सकती है, लाइक वॉइस ब्रेक हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैंने डुअल बैंड का राउटर लिया है, मैं डुअल बैंड में ही यूज करता हूँ वाईफाई अपना। तो आप इसमें देख सकते हो इसकी रेटिंग्स, ये 9 वोल्ट का है, 0.6 एम्पियर्स मांगता है, ठीक है। तो अब इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने डुअल वोल्टेज वाला लिया है अडैप्टर एंड आपने उसके आउटपुट को 12 वोल्ट में सेट करके रखा है, तो गलती से भी इस पे 12 वोल्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि उस केस में आपका राउटर डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसकी 9 वोल्ट की इनपुट कैपेसिटी है ना, आप इस पे 12 वोल्ट दोगे तो सर्किट खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि जो इसमें मेंशनड है उसे आप 9 वोल्ट में स्लाइड कर लो वापस, ठीक है। तो मैंने इसको 9 वोल्ट में वापस ट्रांसफर कर दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये मुझे 9.3 वोल्ट दे रहा है आउटपुट, ठीक है। तो अब मैं इसको इस पर लगा देता हूं, तो देखिए जैसे ही मैंने लगाया राउटर ऑन हो चुका है, आपको फिर से शो करता हूँ ऑन ऑफ करके, ये आउटपुट दे रहा है 9.3 वोल्ट्स एंड राउटर देखिए ऑन हो गया है, उसकी लाइट्स आपने देखी होंगी ऑन ऑफ हुई, ठीक है। तो ये मेरा एक्सटेंडर है एक्चुअली, तो मैं इसको अगर ऐसे भी यूज करता हूँ तो मेरा जो प्राइमरी इंटरनेट कनेक्शन है वो आप देख सकोगे, तो मैं आपको शो करता हूँ इसको यूज करके, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, तो ये अभी कनेक्टेड है, मैं आपको यहीं रखता हूँ, होपफुली यहाँ तक मेरी रेंज आ रही होगी प्राइमरी वाईफाई की, ठीक है। तो लेट मी चेक, ठीक है कनेक्ट हो रहा है। मेरा जो 5G वाला सिग्नल है ये कंप्यूटर 5 GHz वाला, मैंने उसे नाम ही 5G दिया हुआ था, तो वो कनेक्ट हो रहा है, तो या इट्स कनेक्टेड नाउ। तो अब मैं अगर कुछ यूज करता हूँ इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये आराम से चल रहा है बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो वाईफाई इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड का, तो मैं कुछ ऐसा लगाता हूँ जिसमें कॉपीराइट का भी देखना पड़ता है बहुत ही सब। चलिए मैं अपने वीडियो लगाता हूँ कुछ, तो आप देख सकते हो देखिए यूट्यूब चल रहा है पीछे, क्योंकि मेरा प्राइमरी राउटर मेरे बालकोनी में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसकी रेंज थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए मैं ऐसे रूम के बीच में रखता हूँ, अपने पूरे रूम के बीच में रखता हूँ ताकि मुझे सिग्नल सही से मिले। तो अभी मैंने इधर रखा हुआ है तो थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा होगा सिग्नल, बट देखिए ये काम कर रहा है आराम से, ठीक है। स्पीड सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से HD में चल रहा है, यू कैन सी फुल HD में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरीका है कि आप यूज कर सकते हो, मतलब अभी भी कनेक्टेड है, आराम से चल रहा है, नेट एंड वाईफाई बोल आप देख सकते हो। तो जिनके यहाँ
लाइट का इश्यू है ना, वो चाहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं है आपको वाईफाई यूज़ करना है, आपका राउटर चल जाए विदाउट इन्वर्टर, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है। सो थैंक यू गाइस, ये था आज के लिए, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया हो एंड आप लोगों के काम आए। ओके बाय बाय।